दोस्तों, आज हम एक ऐसी मणि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि एक ऐसा पत्थर जिसे पाने की इच्छा आज के टाइम में हर किसी की होगी। आपको बता दें कि अश्वत्थामा के पास भी ठीक एक ऐसी ही अद्भुत चमत्कारी मणि थी, जिसके बल पर वह बहुत शक्तिशाली बन गया था। दरअसल दोस्तों, मणियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे कि चंद्रकांत मणि, सैमंतक मणि, शेष मणि, नील मणि, पारस मणि, लाल मणि, कौस्तुभ मणि, और आज हम इसी में से एक है पारस मणि, जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राठौड़, स्वागत है आपका विचित्र मिस्ट्री टीवी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पारस मणि के बारे में अक्सर जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। मणि के संबंध में इसके कई सारे किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित हैं। कई लोगों का तो यहां तक दावा करना है कि उन्होंने पारस मणि को देखा है। पारस मणि जैसे शब्द का नाम मशहूर होना और लोगों के मन में इसके प्रति इतना विश्वास होना ही पारस मणि का दुनिया में होना एक सबूत कायम करता है। और अब तो भारत में कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जो आज भी पारस के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि पारस मणि होती है, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि शास्त्रों में और इतिहास के अंदर कुछ भी ऐसा व्यर्थ नहीं लिखा जाता है। और इधर हिंदू धर्म की कई कहानियों में तो पारस मणि का नाम सुनने में भी आता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, पारस मणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मणि को आप किसी भी लोहे से अगर छू देंगे तो वो चीज़ पूरी सोने की बन जाएगी। अब ऐसी चीज़ आज के टाइम में कौन नहीं पाना चाहेगा, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि पारस मणि आज भी है तो है कहाँ। चलिए कुछ बातें हम आपको बताते हैं जो आज भी प्रचलित हैं। नंबर वन, शास्त्रों की कहानियों में बताया जाता है कि हिमालय के जंगलों में पारस मणि को आसानी से खोजा जा सकता है, बस किसी इंसान को उसकी पहचान करनी आती हो। इनमें यह भी कहा जाता है कि कई संत पारस मणि ढूंढ कर लाते थे और अपने भक्तों को बांट दिया करते थे। वहीं ये मणि सिर्फ हिमालय के ही आसपास कहीं मौजूद है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए। वहीं आज भी कुछ पहाड़ी चरवाहे बकरियों के पैरों के नीचे लोहे की नाल को ठोक दिया करते हैं, ताकि जिससे कि बकरियां पारस पत्थर के ऊपर से होकर निकले तो वो लोहे की नाल सोने में बदल जाए। नंबर टू, कुछ सबूत हमारे इतिहास में भी है, क्योंकि कई विदेशी शासक हमारे देश के अंदर पारस मणि की खोज में भी आ रहे थे। जैसे कि कहा जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित रायसेन किले में पारस पत्थर मौजूद है, जिसकी रखवाली आज भी चिन करते हैं। 1200 ईस्वी में बना यह किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास पारस पत्थर था। इसी पारस पत्थर के कारण कई युद्ध भी हुए थे। जब यहाँ के राजा रायसेन युद्ध के दौरान हार गए, तब उन्होंने किले पर ही किसी तालाब में यह पारस पत्थर को फेंक दिया था। वहीं राजा ने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ है, और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद किला एक वीरान में तब्दील हो गया, और फिर तरह तरह की बातें भी होने लगी। उस पारस पत्थर की तलाश में आज तक जो भी किले में गया, उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस किले में आज भी पारस पत्थर की रखवाली जिन करते हैं। नंबर थ्री, दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपको अमीर कोई मिस्ट्री नहीं बल्कि एक पक्षी बना सकता है, तो आपको क्या लगेगा? जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब है और हो सकता है आप शॉक भी हो जाएं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी आपको पारस पत्थर लाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस पक्षी का नाम है टिठहरी। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टिठहरी पेड़ों पर रहने लगे, तब धरती पर भूकंप आने की आशंका होती है। वहीं टिठहरी कभी भी पेड़ों पर अपना घोंसला नहीं बनाते,
वह हमेशा धरती पर ही अपने अंडे देती है और धरती पर ही रहती है। टिटहरी जब कभी भी धरती पर अपना अंडा देती है तो उसे तोड़ने के लिए उसको पारस पत्थर की जरूरत होती है। लेकिन पता नहीं टिटहरी कहाँ से और अपना कौन सा सेंस लगाती है जो पारस पत्थर को ढूंढ लेती है। इसलिए इस पक्षी का मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अब कुछ टिटहरी पक्षी के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसा पक्षी होता है जो अक्सर अपना ज़्यादा समय तालाबों और झीलों के नज़दीक गुजारता है और ये उड़ता भी कम है। भारत के कई राज्यों में यह पाया जाता है, वहीं इसकी 2-3 प्रजाति भी देश में पाई जाती है और ये एक चौकन्ना पक्षी होता है। ये अपने नज़दीक आने वाले कोई भी जानवर या इंसानों को देखकर शोर मचाने लगता है। वहीं ये मार्च से लेकर अगस्त महीने के बीच में 2 से 4 अंडे देती है और दिन रात जागकर अपने अंडे की रक्षा भी करती है। इनके अंडों का रंग भी मिट्टी के रंग से मिलता जुलता है, इसलिए लोगों की नज़र भी इन पर नहीं पड़ पाती है। वेल दोस्तों, आपको पारस मणि के बारे में क्या लगता है? क्या ये आज भी मौजूद है या फिर ये एक बस एंटरटेनमेंट स्टोरी बनकर रह गई है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।